भारत और पाकिस्तान, क्रिकेट के मैदान से लेकर सरहदों तक हर जगह 36 का आंकड़ा। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं कि भारत लगभग हर क्षेत्र में पाकिस्तान से बहुत आगे है, चाहे वो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम हो या फिर सरहदों पर सेनाओं की ताकत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पाकिस्तान ने भारत को पछाड़ रखा है? जी हाँ, और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं क्षेत्रों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल फैक्ट्स ज्ञाता को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। फर्स्ट वन इज सेक्स रेशो एंड जेंडर इक्वेलिटी। भारत सरकार वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर अनेक प्रोग्राम चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भारत का सेक्स रेशो पाकिस्तान से कम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डेटा के अनुसार 2020 में भारत का सेक्स रेशो है 1000 पुरुषों पर 924 महिलाएं, जबकि पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2020 में पाकिस्तान का सेक्स रेशो है 1000 पुरुषों पर 947 महिलाएं। सेकेंड वन इज हैप्पीनेस। 2020 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक खुशहाल देशों की लिस्ट में पाकिस्तान का 66वां जबकि भारत का 144वां स्थान है। थर्ड वन इज हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की रैंकिंग में पाकिस्तान का 88वां जबकि भारत का 94वां स्थान है, जिसका मतलब है कि भूखे लोग अर्थात जरूरत से कम खाना पाने वाले लोगों का प्रतिशत भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा है। फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम HIV एड्स। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार HIV एड्स के प्रसार की दर पाकिस्तान में 0.1% जबकि भारत में 0.22% है। फिफ्थ वन इज पॉपुलेशन डेंसिटी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का जनसंख्या घनत्व है 275 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व है 454 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। सिक्स्थ वन इज एम्बुलेंस नेटवर्क। विश्व का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क जिसे एडी फाउंडेशन चलाता है पाकिस्तान में ही है। भारत में भी कई बड़े एम्बुलेंस नेटवर्क हैं, पर वो सब एडी फाउंडेशन एम्बुलेंस नेटवर्क से छोटे हैं। सेवेंथ वन इज प्रोडक्शन ऑफ फुटबॉल्स। एक रिसर्च के अनुसार विश्व की 40% फुटबॉल्स पाकिस्तान में तैयार होती हैं। फीफा में यूज होने वाली फुटबॉल्स भी मेड इन पाकिस्तान ही होती हैं। एट्थ वन इज एल्कोहल कंजम्पशन। पाकिस्तान की 95% से ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिम है और वहाँ उनका मदिरापान करना कानूनी रूप से वैध नहीं बताया गया है, जबकि इंडिया में सिर्फ बिहार, गुजरात, नागालैंड और लक्षद्वीप ही ऐसे राज्य हैं जहाँ मदिरापान अवैध है, अर्थात भारत में एल्कोहल कंजम्पशन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। नाइन्थ वन इज फर्टिलिटी रेट। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट है 3.56 बर्थ्स पर वुमेन, जबकि भारत का फर्टिलिटी रेट है 2.24 बर्थ्स पर वुमेन। लेकिन यहाँ पर मैं भारत को पाकिस्तान से पीछे नहीं बल्कि आगे मानता हूँ, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। टेंथ वन इज क्रूड ऑयल फॉरेन डिपेंडेंसी। जबकि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भारत में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंजम्पशन अधिक होने के कारण भारत 87% क्रूड ऑयल विदेशों से आयात करता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 80% क्रूड ऑयल आयात करता है।